हेलमेज एक मैकबुक चैनल पर टीचर सीगल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 8 अगस्त थर्सडे को होने वाली है, यानी कि कल ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। इसमें कितना लिस्टिंग मिलेगा ये जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली देखें तो ये आईपीओ बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। प्रॉफिट में लगातार ग्रो है, 126.43 लाख के प्रॉफिट को ग्रो करके मात्र 3 साल के अंदर 304.91 करोड़ किया है। तो प्रॉफिट में लगातार ग्रो देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में लगातार ग्रो किया है, एसेट नेटवर्थ सब शानदार ग्रो किए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो किए हैं। इसकी नेटवर्थ भी 431.25 करोड़ से बढ़ करके 906.41 करोड़ हो गए। प्रॉफिट 126.43 करोड़ से बढ़ करके 304.91 करोड़ हो गए। तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही मजबूत दिख रही है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 33.57% है, आरओसीई 31.98% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 33.57% है, पैट मार्जिन 10.05 है, डेट पर इक्विटी 1.17 है। और ये थोड़ा सा लिस्टिंग पर निगेटिव असर दिखाएगा। पीई प्री आईपीओ 20.67 है एंड पोस्ट आईपीओ 22.91 है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर है। बात करें बिजनेस की, 2010 की स्थापित कंपनी है, यानी कि अपनी फील्ड में लगभग 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखती है। और यह एलिवेटेड रोड्स, फ्लाई ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर पासेज, टनल्स, हाईवे, एक्सप्रेसवेज एंड रनवेज की कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रदान करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये अब तक 34 रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है जुलाई 24 तक। तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। 5 इसके पास ओ एंड एम प्रोजेक्ट है, 12 इसके पास आइटम रेट प्रोजेक्ट है, 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 13 इसके पास ईपीएस प्रोजेक्ट एंड 5 एचएएम प्रोजेक्ट है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। एक्सप्रेसवे एंड रनवेज, हाईवे एंड टनल एंड ओवर पासेज, ब्रिज, रेलवे एंड एलिवेटेड रोड की एंड फ्लाई ओवर की ए कंस्ट्रक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस यूनिक बिजनेस फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है। एंड इसके पास 9470+ करोड़ इसके पास ऑर्डर बुक भी है। तो ऑर्डर बुक भी बड़ा मात्रा में इसके पास ऑर्डर बुक है, एक बड़ी रकम की ऑर्डर बुक है, 9470 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो यूनिक बिजनेस मॉडल फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग, ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, 9470 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इस आईपीओ में लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाया, 14.1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। इम्प्लॉय कैटेगरी में 11.84 गुना, रिटेल में 3.82 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशन बायर कैटेगरी में 14.83 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 31.26 गुना। तो यहाँ पर टोटल 14.1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले में लगभग 100 में से 25 लोगों को ए आईपीओ अलॉट हुए होंगे। तो जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है उन्हें लिस्टिंग गेन थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि इसकी जीएमपी घट करके मात्र 14.50 रुपए ही बचे। इसकी जीएमपी की ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, 90 रुपए पर जीएमपी ओपन हुआ था, लगातार घटता रहा, घट करके आज सिर्फ 14.50 रुपए ही बचे। जीएमपी में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली। अनलिस्टेड मार्केट में मात्र 3.62% की भूमिका दे रही, लिस्टिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम मिल सकती है, मे बी फर्स्ट टू फर्स्ट में या फिर 2-4-5% की निगेटिव लिस्टिंग भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकता है, क्योंकि यूनिक बिजनेस है, फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस बहुत ही बेहतरीन करिए। बिजनेस एंड फाइनेंशियली दंपाई एप अपने निवेशकों को बहुत ही बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकती है। तो इसकी लिस्टिंग हम लोग 5% निगेटिव भी मान सकते हैं, 2-4-5% का निगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। फर्स्ट टू कॉस्ट से लेकर के 10% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हो सकती है, या फिर 2-4-5% की इसमें निगेटिव लिस्टिंग भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।